राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत बधाइयां। जो भी कृष्ण भक्त मन क्रम वचन से एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही शुभ कार्य करते रहे और माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर इस प्रकार ही बनी रहे और आपकी झोलियां निरंतर वो भरते रहे। दोस्तों, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी 31 जुलाई को मनाई जा रही है, यानी बुधवार को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको व्रत की विधि, पूजन की विधि, पारण कब करना है और एकादशी के दिन आपको किस प्रकार का आचरण करना है, किस प्रकार का आपको पूजन करना है, किस विधि से आपको पूजन करना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, और इसके साथ साथ मैं आपको एकादशी व्रत कथा भी पढ़कर बताने वाले हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, एकादशी हम सब बहुत ही ज्यादा एकादशी के व्रत को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि भगवान विष्णु को ये बहुत ही ज्यादा प्रिय है और ये एकादशी का व्रत हम सभी को सुख प्रदान करने वाली है। ये एकादशी जो कि श्रवण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी है, इसे कामिका एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, यानी नारायण की उपासना की जाती है। और इस दिन ये एकादशी बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त देने वाली भी है क्योंकि ये चतुर्मास की एकादशी है, वो भी पहली एकादशी है। श्रवण मास के होने के 100 मास में पड़ने के कारण इसका अधिक और अधिक महत्व बढ़ जाता है। इस एकादशी को करने से तो अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यदि हम इस व्रत को पूरे मन प्रवचन के साथ करते हैं तो ये भक्ति के साथ साथ मुक्ति प्रदान करने वाली है, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है और हमारे जन्म जन्मांतरों के सभी पापों को नष्ट करने वाली है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से पितृ दोष जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की यानी शालिग्राम को तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर इस समय आप शालिग्राम पर अभिषेक करते समय तुलसी दल चढ़ाते हैं तो इससे आपको अक्षय की पुण्य की प्राप्ति होती है, जो पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि कामिका एकादशी कब है, कब शुरू हो रही है, तो दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने के कृष्ण पक्ष एकादशी की तिथि जो आरम्भ हो रही है वो 30 जुलाई को शाम 4:44 से हो रही है और समाप्त हो रही है 31 जुलाई को शाम के 3:55 पर। तो उदय तिथि के अनुसार कामिका एकादशी 31 जुलाई को ही मनाई जाएगी, यानी बुधवार को ही कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि व्रत के दौरान आपको दोस्तों बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जितना हो सके आपको दान पुण्य करना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, भगवान शालिग्राम की पूजन करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, रात्रि के समय जागरण करना चाहिए और निंदन लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन जितना हो सके आपको अन्न का दान करना चाहिए और पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। दोस्तों, अगर पारण की बात करें तो 1 तारीख को सूर्य उदय के समय 5:42 से 8:24 तक आप पारण कर सकते हो। आपको स्वयं ग्रहण करने से पहले भोजन को आपको पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना है, गो को घास खिलाना है या फिर आप उन्हें गुड़ रोटी भी खिला सकते हो। नारायण की पूरी विधि विधान की पूजा करने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको मेरा नमस्कार है, श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपचार सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि शन के किस पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, हे प्रभु ये सब मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम है कामिका। उसके श्रावण मास से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन में
जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, मेषपारण और पुष्प क्षेत्र में सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यातिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है ये दोनों ही फल एक समान माने जाते हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्याय सामग्री सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। जो नरश्रेष्ठ श्रवण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उनके द्वारा गंधर्वों तथा नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा करता है उसी का फल उसे प्राप्त होता है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी बहुत ही ज्यादा उत्तम व्रत है। अध्यात्म विद्या प्रायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य यदि रात्रि में जागरण करता है तो उसे कभी भी भयंकर यमदूत के दर्शन नहीं होते हैं और ना ही वो दुर्गति को प्राप्त होता है। लाल मणि, मोती, वेद्वर, मूंगे आदि से पूजित होने होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल पूजन करने से हो जाते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसने जीवन भर के पाप को निश्चित रूप से नष्ट कर लिया है। हे जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नष्ट कर देते हैं, स्पर्श करने पर मनुष्य को पवित्र कर देते हैं, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण कर देते हैं, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपी करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग करने के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी का महिमा का वर्णन किया है। कामिका सभी पाप को नाश करने वाली है, अतः मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए और ये स्वर्ग लोक और महान पुण्य प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महत्व श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के विष्णु लोक में निवास करता है। बोलो एकादशी महाराज की जय। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की आपकी कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप निरोगी काया को प्राप्त हो, आपके घर में धन और अन्न के भंडार भरे रहे, ऐसी मनोकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।